देखिए तीसरी कथा बड़ी माँ सुना रही हैं। पारंग कैलिन बेटा गई फुलवारी उची रहा है अपन माली माली गैलिन फूल लोड़ है फुलवारी इतने सारे गैलिन तो आनंद ले रहे हैं कथा साफ का। अब तो लड़का जनकर पूरा को खत्म हो गए सुतर अभी साग भात बने के आ चढ़ाई बढ़ाई के साग भात कानी कानी कब ले आई ले हम पर अनवा कैले तो जाए अब खाई ले लें खाए के जब फुलवारी में जाते हैं तो बेटा हम लोग पर्व बाट गए अब रोई रहे वहाँ लगे वहाँ मनाई जुटल हैं सब उल्लास उठा के दुआरे पिया अलन तब ले गए पंडित आ गए आ गए तो अलग पंडित को गोर पकड़ के रोए लगल तो कहलन कि पंडित कहें अच्छा ही बताओ का तू खाए के भूखा रह गए कहलन ये बाबा हम तो साग भात खाए के भूखा रह गए आ का पारण कैलू है तो सगो भात तो पारण हो तो कहलन देखा वह साग भात खाए के भूखल रहू है और वह साग भात खाए के पारण कैलू आ वही से तुम्हारे बेटा कैसन भाई है ऐसा कर लाश कुछ लाशी कर ना अपने लड़के ऐसे तू यहीं रहे द अपन कान धाम कह के लड़का के लगे कुछ देर बैठल कर साल भर ऐसे अपने बेटा के लाश ऐसे रहे फिर अगला जीवतिया जब आई तो भूखिया और दाल भात रोटी सब्जी पूरी परेठा बने के खाए के भूखी है आ फेरो उहे खाई है पराने के दिन आ एक लीटर दूध गरम करके धैली है आ उहे फूक फूक पी है जे सब पी दू उस साँप लहर दे जब साँप लहर दे तो उस कर प्राण आई उनके एक लीटर दूध तो फूक फूक पीबू तो लड़कियाँ तुम्हार जी जाई हैं लड़कियाँ जी जाई हैं और तब तू अपन लड़कियाँ पाईबू और साल भर तू लड़की तीन ठो कह दे चलिए देखिए अब एक कथा सुना रही हैं जब उनके शादी करें हो तो जितना लोग पंडित आवे तो कहें कि हम शादी ना कर शादी करब कर कि जब तोहर लड़की हमार मानी कर कौने लड़की से हम शादी सब लड़की से शादी ना जब तोहर लड़की तोहर हमार परी हमार बाती के लगन ना तब वही लड़की से हम शादी कर जहाँ जहाँ तहाँ जितना पंडित लोग आवे उतना पहले स्थिति बचा शादी हम वही सब पर सौरभ की लड़की हमार गचन तोहर बात में तो लगन आए बाल बच्चे होते रह गई ना पहला बेटा जैसे कर्जी उ आए सब कहले रहा कि बाल बच्चे भगवान देत हम तो मर जात हम सब कहता कि अरे उनकर कर्जी खैले आयल चोरी गई जे नाई खैले रही तो घर एक रही ही रुकती तो उनके दस लड़के दस लड़कन तू कर सी और रहना अगर जानी उनके सब पता रहे जब लड़कवा जन्म तब सौरी जा कर उनके दे उनके हमके दे बस उदार उठावे आ लड़का साथ आ लेके जंगल में चल उनके गाड़ी उनके गाड़ियाँ दसहो लड़का नौ लड़का गाड़ चुकल है दसवा लड़का कर्जी लिख घरे खातिर के लड़का पैदा हो लगली रोवे गावे कि इतना हमरे पैदा हो जाता हमारे लोग सब की बटोर जाता सब के लिए लेखन का हाथ पेकर जाता हम तिरवचन ले ले वाणी कि जो हम बात लंघन ना जाए तो हम करी कैसे करी कैसे कि हम कैसे लंघन के बात वचन रहने रहना कहना तू बोली हम और जब हम पूरा तुहार हो जाइए तब हम वैसे तुहार बच्चा छोड़ के लड़का पैदा होके रह गए अरे राजा कंस खान पैदा होके रह गए ना तो वो लड़का के गैना काने में बोल कहना कि बताओ तुहार हम खैले बानी कि हमारे तू खैले कहना ना पिता जान हम तुम्हार खैले तू ना हमार खेल हम तुहार थोड़े कर दिना हम घर जान मत उनके छोड़
छोड़ दिया ना लगला पोसे पाले मैंने रानी साहब लगन पोसे पाले उनके जवान कैली सयान वान कैली जब जवान भई ना तो आप तो जनता बानी की जे सब मतलब कथा उथा हो एको पैसा रानी साहब चढ़ी राजा के घरे मन मतलब एको पैसा चढ़ी आ ये वो कोहरा है तब का कैली कोहरा में चिप्पी मार अरे लड़का के जात बनल क्या सर भी सोना दे ले जाइए कहीं डगरे में कहीं चोर चाहे छोड़ में चाहे गिरा जाए इनकर पिताजी कहिए कि का कमा के तू लेके अइबा ऐसन बात ऐसा छिप के इनके दे तू घरे ले जाते सोना सर तब का कैली कि चिप्पी रानी साहब मार के और मैं सर की डाल दिए फिर चिप्पी बंद कर दिए जब कथा होता कह के हो ना घरे कहने बेटा का पाओ लहना कि का पौली लइहा तो पौली पटक दिया ना कोहरा जब कोहरा पटक देना तो ही से मार सोना असर भी निकल तो कहना रे बेटा इत तू बहुत कमा के ले हम तो कुछ नहीं ले तू तो कई लाख का संपर्क दे दिया थी आ हम तो दस पाँच में रह गई नहीं आ तू ऐसा जगह कथा कहे गई ल आप रूप मृत दे देना कब तक तू कर्जी उनके चुका दिया अब आब हमारे अब उनकर भरपाई हो गई जगह से खत्म हो गई एक राजा पंडित और खत्म।